टेस्ट ऑलराउंडर, 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ही खेले, फिर 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते उसके मेंबर थे, दो मरतबा एशिया कप जीते, ये उस टीम के रुकन थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेंटोर है ये, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने ख्याल का इजहार करें। आइए, मेंटोर है ना। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा इकबाल साहब की बात क्या करें, जितनी हिस्ट्री ये पढ़ते हैं याद रखना बड़ा मुश्किल है, यही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब का और हमारे प्यारे दोस्त शाहिद खान अफरीदी जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उनकी बात करता चाहूँगा। जहाँ भी वे जाते हैं उस चीज़ में जान पड़ जाती है, किसी लीग में भी जाते हैं, मैच हो या कोई फंक्शन हो, तो इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला और इनको इज्जत दे। और उसके बाद आरफ मलिक साहब जो चेयर पर्सन हैं, इनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहजाद भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में किंगडम वैली ग़ुलाम हुसैन शाह साहब, शाहिद साहब, ये वाहद, जैसे भी इन्होंने पहले भी जिक्र हो चुका है, जहाँ भी क्रिकेट होती है वहाँ इनका नाम होता है, क्योंकि मिर्ज़ा इकबाल साहब काफ़ी अच्छा याद रखते हैं हर चीज़ को। हाँ जी, बाकी अब जो मेरा रोल है एज ए मेंटोर SPL, मैं आरफ मलिक साहब का शुक्रिया भी करना चाहूँगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नीयत साफ होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को अच्छी तरह उनकी सिलेक्शन हो चुकी हो सके और उनको मेंटली लेवल जो गिर जाते हैं, जो फिज़िकली भी डाउन होते हैं, मेंटली भी डाउन होते हैं, उनको उठा सके। और आपने सुना होगा कि आज से 30 साल पहले माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि टीवी पे हमारा खिलाड़ी बच्चा खेलना चाहिए, तो आज का दौर देख लें, हर जगह टीवी पे मैचेस आ रही हैं और लाइव मैचेस आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इसमें मैं कामयाब होऊंगा और SPL का नाम भी उठाऊंगा, उसको कामयाब करूँगा। थैंक यू।